तो दोस्तों मैं फिर हाज़िर हूँ एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, जो कि है एक मिनी डाई ग्राइंडर जिसको मैंने अमेज़न से मंगाया है और अभी तक ये पैकिंग में ही है, मैंने इसको खोला भी नहीं है। तो चलो इसको खोल करके देख लेते हैं क्या क्या दिया है कंपनी ने इसके साथ में। ये आ गया हमारा टाई ग्राइंडर। लास्ट वीडियो में मैंने एक बड़े टाई ग्राइंडर डोंग चांग की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई थी, लेकिन सारे काम उस बड़े टाई ग्राइंडर से नहीं हो सकते, जिसके लिए हमें कुछ छोटे टूल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ये टाई ग्राइंडर ऑर्डर किया। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये डाई ग्राइंडर ठीक रहेगा। देख लेते हैं बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये 52 पीसेस इसके साथ में आते हैं, ये 130 वॉट का है और 3 mm मोटी इसमें शाफ्ट लगती है। 3.2 mm का कॉलेट है इसका, जिसमें 3.2 mm शाफ्ट के आप इसमें बिट्स लगा सकते हैं। और चलिए बॉक्स को ही देख लेते हैं खोल के। सूटकेस के जैसा है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, कहीं आप कैरी करके इसको लेके भी जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको खोल के। इंच को तो ये रहा हमारा टाई ग्राइंडर, फिर से वही बोरिंग यूज़र मैनुअल्स जिसको आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। देखिए तो ये रहा हमारा ट्राई ग्राइंडर, काफ़ी हल्का है, हैंडी भी है, एक हाथ में लेके आप काम कर सकते हैं इसमें। देखिए 240 वोल्ट, सॉरी 130 वॉट, 32 RPM, 32,000 रोटेशन पर मिनट पर घूम सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। और 3.2 mm के शाफ्ट के आप इसमें बिट्स लगा सकते हैं। और क्या फंक्शन है, ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैक्स 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1, ये मिनिमम हो गई इसकी। यहाँ से आप इसके ब्रश, कार्बन ब्रश चेंज कर सकते हैं, और इसके चक को होल्ड करने के लिए जब कभी आप बिट चेंज करेंगे तो ये लॉक हो गया, जैसे आवाज़ आई ना आपको। देखिए फिर से एक बार करता हूँ, ये लॉक पोजीशन, इसको आप लॉक करके फिर इसके आप कॉलेट को आप खोल सकते हैं। तो चलिए अभी और देख लेते हैं इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिला है। ये 52 पीसेस इसके साथ आए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या है। टेप से बंद किया हुआ है इसको, अच्छे से बॉक्स में है, बढ़िया ज्वेलरी जैसा बॉक्स दिखाई देता है। ये इसके कार्बन ब्रश एक्स्ट्रा, ये इसके साथ कुछ बिट्स दिए हुए हैं, ये ग्राइंडर बिट्स हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, और भी कुछ है इसके साथ में। ये है इसकी फ्लेक्सिबल शाफ्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी ज़रूरत आपको काफ़ी पड़ेगी।
सब हम चेक करेंगे इसको। तो चलिए पहले इस बॉक्स को हटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले बिट्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो ये सब हैं इसके साथ में, कुछ ट्रिल बिट्स, ये ड्रिल बिट्स, ये चक दिए हुए हैं इसके साथ में इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो, ये एमरी व्हील में लगाने के लिए सैंड पेपर एक्स्ट्रा, ये कुछ कटिंग व्हील्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे काम के लिए है ये। ये कुछ ग्राइंडिंग व्हील्स हो गए, ये बफिंग व्हील्स, ये भी बफिंग है बफिंग के लिए, ये एक्स्ट्रा आपको चक के लिए कैप दिया हुआ है कहीं खो जाए गुम हो जाए तो। और इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये जनरली बहुत छोटे छोटे काम करने के लिए, डेंटिस्ट लोगों के काम में आएंगे ये सब, कोई अगर डेंटिस्ट है, ये सारे एमरी व्हील जो राउंड है ये इस पे आ जाएंगे, इस पे हम इसको लगा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये स्क्रू दिया हुआ है कि बफिंग व्हील इस पर लगाने के लिए, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये इसमें टाइट हो जाएगा। तो हम छोटी मोटी कोई ज्वेलरी हो या बहुत छोटी सी चीज़ें हमारे हॉबी के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, या ज्वेलरीज है, रिंग्स हैं, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं इससे। ये एक डायमंड बिट भी इसके साथ में दिया हुआ है। ये देखिए ये है कटिंग व्हील्स को इसमें लगाने के लिए, जैसे कि ये है आपके पास, ये पॉलिश के लिए है। देखिए जैसे कि ये कटिंग व्हील मैं ले लेता हूँ, ये इसमें आप इसको स्क्रू इसका खोल करके इसमें आप ऐसे लगा सकते हैं। ये लग गया, इसे आप छोटी मोटी चीज़ें कटिंग भी कर सकते हैं आप। चलिए और ये सारे ग्राइंडर बिट्स हो गए, ये एक और डायमंड बिट है हमारे पास, ये किस लिए दिया हुआ है चलिए बाद में देखते हैं किस लिए दिया हुआ है। ये छोटा सा एक स्पैनर है हमें कॉलेट्स को चेंज करने के लिए। तो ये टोटल जितने बिट्स दिए हैं देखो सारे मिला करके 52 पीसेस इन्होंने बताया है बॉक्स पर। इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सारा सब कुछ अरेंज कर लिया है अच्छे से दिखाने के लिए आप लोगों को। ये मैंने काउंट भी कर लिए हैं सारे 52 पीसेस हैं इंक्लूडिंग ये एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ में, और इसमें ये सारे एमरी व्हील्स भी दिए हुए हैं, 9 एमरी व्हील दिए हुए हैं इसमें, और सैंड पेपर भी दिए हुए हैं इसमें बहुत छोटे कामों के लिए, एक छोटा सा स्टोन भी दिया हुआ है आपके ड्रिल बिट्स को शार्पन करने के लिए, बफिंग टूल्स, ये एक्स्ट्रा कॉलेट, 2 ड्रिल बिट्स और बाकी ये सारे जो आप देख रहे हैं। तो अब इसको चेक करने की बारी आई है, हम इसको चेक करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों इसकी वायर हटा करके हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। ये पैकिंग निकाल दी हमने इसकी,
इसको वायर को प्लग करते हैं। फाइनली इसका स्विच ऑन करते हैं। बहुत ही बैलेंस, अभी ये सबसे लोएस्ट स्पीड पर है ये, तो बहुत ही कम इसमें आवाज़ भी आ रही है और वाइब्रेशन तो बिल्कुल ना के बराबर है। हम इसकी स्पीड बढ़ा करके देखते हैं एक बार, ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी, बहुत ही हल्की, काम करते करते आपके हाथ में दर्द भी नहीं होगा। बाकी टाई ग्राइंडर जैसे कि मेरा जो लास्ट टाई ग्राइंडर था डोंगचेंग का, वो काफ़ी भारी था और वो सिर्फ भारी काम करने के लिए ही बना हुआ है, लेकिन छोटे काम करने के लिए आपको ऐसी छोटी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और हल्की होने के कारण आप इसको काफ़ी देर तक यूज़ भी कर सकते हैं, पेन के जैसे पकड़ के, जैसा मोटा सा कोई मार्कर हो ऐसे। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक दो अटैचमेंट भी लगा कर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए पहले मैं ये सामान साइड में कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। आपको इसको भी हटा देता हूँ। तो मैं टेस्ट करने के लिए सबसे पहले लेता हूँ एक कुछ करने के लिए मैं कुछ मेटल के टुकड़े यहाँ ले रहा हूँ। ये एल्यूमिनियम है और ये दोनों माइल्ड स्टील के पीसेस हैं और ये स्टेनलेस स्टील हैं। अब हम देखेंगे इसमें ये ड्रिल बिट्स और ये बिट्स जो हमें यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं वो कितने कारगर हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं कटिंग व्हील। देखिए, ये इसको लगाने के लिए पहले हमें इसको ये यहाँ पर कट की आवाज़ जब आएगी तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ पर रुक करके हम इसको यहाँ टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हमें ये स्पैनर से इसको हम टाइट कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये टाइट कर दिया हमने स्पैनर से। अब हम लोग इसको स्टार्ट करके एक बार चेक करके देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं। ये हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम पर देखते हैं ये कटिंग कर पाता है या नहीं। सबसे कम स्पीड पे तो ये लोड नहीं ले पाया, इसकी स्पीड और तेज करते हैं फुल पे। देखिए दोस्तों, इसने एल्यूमिनियम में कट कर दिया, एल्यूमिनियम तो कटिंग कर रहा है। अब हम एमएस की शीट लेंगे, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और कटिंग करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें से पार्ट भी कैसे निकल रही है। देखिए दोस्तों, कट मार्क कर दिया इसने, यानी एमएस भी काट रहा है। एक थोड़ा हेवी एक पत्ती लेते हैं, उसको काट के देखते हैं। मार्क तो कर रहा है, लेकिन ये इतने हैवी कामों के लिए नहीं है, छोटे छोटे ज्वेलरी टाइप की या हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हम स्टेनलेस स्टील पर चला कर देखते हैं ये स्टेनलेस स्टील को काट पाता है या नहीं। देखिए,
तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ इसने स्टेनलेस स्टील को भी कटिंग कर दिया। देखिए इसमें भी इसने कट मार्क कर दिया, मतलब ये ब्लेड काफ़ी मजबूत हैं और स्टेनलेस स्टील को भी काट सकते हैं। इस ब्लेड को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, इतने कटिंग करने में कितना खिंच गया। खोल के कंपेयर करके देखते हैं हम, थोड़ा और कटिंग करके देखते हैं, कुछ और मैं ढूंढ कर लाता हूँ जिसको हम और काट के देख सकते हैं। चलिए इस कील को कटिंग करके देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस मशीन को। काफ़ी गर्म हो गई है, मुझे हाथ में पकड़ने में भी गर्म लग रही है ये। इसको प्लायर से पकड़ते हैं, दोस्तों आपने कितनी पावरफुल मशीन है ये। इसने लोहे की कील, इतनी मोटी 5 mm थिकनेस की कील जो है उसको भी काट दिया। अब हम सैंड पेपर, चलो इस ग्राइंडर को बिट को हम चेंज कर देते हैं, पहले स्विच ऑफ करना है। पिछले वाले से कंपेयर करके देखते हैं, देखिए इतना सब कुछ कटिंग करने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत थोड़ा सा फर्क आया है, ये देखिए। मीन्स जो प्रोवाइड किए गए टूल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हमें दिए गए हैं। अब हम इसमें
इसको सबसे लो स्पीड में एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मशीन तो पावरफुल है और आपके काम सारे बहुत ही आसानी से कर सकती है। स्पीड तेज करके देखें। तो चलिए दोस्तों, अब तो इसका एक बहुत अच्छा एक उपयोग मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। इसको मैं साफ साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक जिससे हम इस ट्राई ग्राइंडर से बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, अपने क्राफ्ट वर्क भी कर सकते हैं। ये है एक डायमंड पिट जिससे हम ग्लास को भी काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांच को भी हम काट सकते हैं इससे। ये इस टाई ग्राइंडर के साथ नहीं मिला है, मैंने इसको अलग से परचेज़ किया है और इसके साथ ही मैंने कुछ और भी परचेज़ किया है। ये है डायमंड बिट्स, एंड डायमंड बिट से हम कांच पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे डायमंड, इसमें डायमंड का डस्ट लगा होता है जिससे ये कांच को भी घिस सकता है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। एक बिट मैं ले लेता हूँ। चलिए, चलिए इसको स्टार्ट करके हम चेक कर लेते हैं। इतना तेज स्पीड की जरूरत नहीं है, हम धीमे भी देख सकते हैं। इसके लिए हम एक्सटेंशन कॉर्ड यूज करके देखते हैं। इसको लगा करके देखते हैं। इसके लिए हमें इसको खोल लेते हैं। ये एक बार चेक करके देखते हैं इसको। क्या हुआ, लगता है इसको अंदर से बंद लॉक नहीं किया। हो गया, कस गया। अब स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो वो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसमें ये बिट को लगा देते हैं।
ओहो ये है वो टूल जो यहाँ यूज होने वाला है, यहाँ ऐसे इसको टाइट करने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक पेन जैसे वर्क करेगा आपके लिए और हम यहाँ कांच में कुछ लिख भी सकते हैं और डिजाइन भी बना सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है बहुत हल्के से लिखा है मैंने, लेकिन इसको हम प्रॉपर टाइम दे करके हम लोग एनग्रेविंग भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन बताऊंगा। ये मैं लगाऊंगा इसमें कटिंग व्हील। और तो दोस्तों इससे हम काट सकते हैं कांच को भी। जी हाँ दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे। स्पीड तेज कर देते हैं इसकी। देखिए कैसे मक्खन की तरह ये कांच को भी काट रही है, बड़े ही आराम से। बिना किसी टूट फूट के कांच को भी काट सकते हैं हम लोग, और हम ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और अपने घर को सजा भी सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी काम की है ये मशीन, और छोटी सी मशीन होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े काम भी कर सकती है और अच्छे काम कर सकती है। तो दोस्तों इतने फायदे होने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हटा पहले मैं ये सामान साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों फायदे तो बहुत है इस मशीन के साथ साथ, लेकिन एक कमी भी है इसमें। इसका ये बॉक्स, इसमें मशीन के लिए भी जगह है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट के लिए भी जगह है, लेकिन ये जो ड्रिल बिट्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। इनमें से एक आध कोई खो भी जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। बस
आखिर में इस मशीन के लिए तो मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। बाकी अपना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जुगाड़ टेक्नोलॉजी।